Daily Bulletin is brought to you by KBN University, Style Up at Prakash Asian Mall, and by United Diagnostics. शुरुआत करते हैं कोविड 19 के केसेस से। 1652 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 564 डिस्चार्ज या क्योर केसेस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 11,298। 14 डेथ्स शामिल हैं आज की इस बुलेटिन में। उसके बाद बात करते हैं वार्ड नंबर 27, जहां पर बोरवेल की मशीन काम नहीं कर रही है 4 महीने से, और वहां पर पीने के पानी के लिए काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। चलते हुए आम जनता ने अपनी नाराजगी जताई, आइए देखते हैं। चूल्हे में दाल तो ओटा चिट्टिया ले तो चूल्हे में दाल तो चूल्हा भी नहीं, घास के अंदर ऊपर चला तो ओटा चिट्टिया में समझे नहीं। ओढ़ डालो मेरे को, कोई आना मेरे घर को, हर एक के घर को सब कुछ सिखा तो कोई आन दे यहाँ, ओढ़ डालो बोल को आना उन्हों बरोबर में चूल्हे में दाल को उनको ठहरा करके चला तो सामने। वाटर बोर्ड वाले अगर आप 2 दिन में अगर हमारा डिमांड पूरी नहीं करे, मैं पूरी यहाँ की जनता को लेकर कॉरपोरेशन ऑफिस का घेराव करने वाला हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी सिटी कोऑर्डिनेटर शेख मुनीर। अभी इसको शफी भाई को जो यहाँ के जो इंचार्ज है मोटर रिपेयर के, उनको बोले तो साहब अभी काम होने वाला है, मोटर सेक्शन ये हो गई सो है और अप्रूवल हुआ सो है। अभी तक मैं उनको 1.5 महीने से उनके फॉलोअप में हूँ, अभी तक ना उन्होंने कुछ इसका रिस्पांस दे रहे हैं ना क्या कर रहे हैं। 4 महीने करीब होने आ रहा है, रोजे रह गए लोग, पूरे गली को उधर बाहर से जाके ला रहे पानी, यहाँ की बोरिंग जल्द से जल्द बना के दे दो सर बस हमको। उसके बाद बात करते हैं KKRTP के चेयरमैन श्री अपू गोड़ा जी ने आज 2 व्हीकल जो कि फोर्स ट्रैवल व्हीकल है उन्हें एज एडवांस लाइफ सपोर्ट जो एक एम्बुलेंस होती है उस तौर पे लॉन्च किया, जिसके अंदर AC कार्डियक सिस्टम जिसे हम कहते हैं और साथ एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम वो इनॉग्रेट हुआ। आइए इसके शॉर्ट हाईलाइट्स देखते हैं। ये कुल मिला के 9 व्हीकल्स हैं जिसके अंदर लाइफ सपोर्ट लगाया गया है, ऑक्सीजन वेंटिलेटर, साथ साथ 2 डॉक्टर्स, नर्स और मेडिसिन भी अवेलेबल रहेंगे। गुलबर्गा के अंदर 2, बेल्लारी में 2, यादगिरि में 2, बिदर, रायचूर और कोप्पल में 1-1 व्हीकल दी जा रही है। कुल मिला के पूरा खर्च इसका 4.67 करोड़ आ रहा है। जो अडवांस लाइफ सपोर्ट अंतंद्रे जो वेंटिलेटर इरुवंता एम्बुलेंस गलो अंदरे पेशेंट बाड़ा क्रिटिकल इरतारे वेंटिलेटर मेले इरतारे अंत पेशेंट गलन्ना शिफ्ट माडक्के अथवा ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಪೇಷಂಟ್ಗಳನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಈ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದವು। कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से नया ऑर्डर आया है जहां पर वो कोविड 19 के जो पेशेंट्स जो गवर्नमेंट से रेफ़र किए जाते हैं उस पर उन्होंने एक नया रेट रेगुलेशन लाया है। जिस तरह से आप देख सकते हैं जनरल वार्ड 5,200 रुपये, HDU 8,000 रुपये, आइसोलेशन ICU विदाउट वेंटिलेटर 9,750 और आइसोलेशन ICU विद वेंटिलेटर 11,500। इस ऑर्डर में ये बताया गया है कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे कोऑपरेट नहीं करता है तो उस पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 51-60 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की वजह से उन पर पेनलाइज एक्शन भी हो सकता है। अब सवाल ये आ रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल इस रेट पर वर्कआउट कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि हमने कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल से बात की है जहां पर वो डॉक्टर्स और नर्सेज की टीम काफ़ी बड़ी होती है, उनके पेमेंट्स भी काफ़ी बड़े होते हैं, जिसकी वजह से उनका लैंडिंग कॉस्ट ही जब एक्सपेंसिव हो सकता है तो क्या वो रेट में वर्कआउट करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक बहुत बड़ा डिबेट है। जी हाँ, गुलबर्गा NGO फेडरेशन ने सशील जी नमुशी जी के घर पर गए और उनसे मुलाकात की और इस सारे इश्यूज़ को डिस्कस किया और सशील नमुशी जी ने बिल्कुल कॉन्फिडेंस दिलाया और कहा कि इस पर वो बिल्कुल काम करेंगे और सारे जो मामले हैं ऑक्सीजन को लेकर, बेड को लेकर, इस पर पूरा गौर व फिक्र करेंगे और उसके लिए कमेटी जिस तरह से काम कर रही है उस पर उन्होंने बात की। आइए देखते हैं एग्जैक्टली सशील जी नमुशी ने क्या कहा। कोविड का जो सेकेंड वेव का जो गुलबर्गा में जो हालत है, सबसे पहले मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि वॉलंटरली आप सभी लोग हैं ना इस काम में जुड़े हुए हैं, ट्राइंग टू हेल्प द क्रिटिकल पीपल। वो घर में रहने दो या प्राइवेट हॉस्पिटल में रहने दो, वो सभी लोगों का कंडीशंस आप समझ के यू आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और वो काम के लिए मेरे पास आप आके ज़रा इतना देर से चर्चा करें। मैं भी है ना ऑफिशियल से डिप्टी कमिश्नर और निरानी साहब से सबसे बात करके मुझे ये लग रहा है कि the condition in Gulbarga is very critical, और हमको ये समझना है कि कैसा भी हो हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है। डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर साहब से बात करने के बाद ये जानकारी मिला कि ही सेड आई विल बी एबल टू अरेंज लिक्विड ऑक्सीजन,
लिक्विड ऑक्सीजन आप एडिशनल क्वांटिटी बोल रहे हैं, आई विल डेफिनेटली अरेंज दैट। जनाब जाफर साहब, शालीमार डिजिटल एड्स दिमापुर सर्कल जो कि एक मशहूर और मारूफ शख्सियत थे गुलबर्गा शहर के और हमारे काफ़ी क्लोज कांटेक्ट में थे, काफ़ी अच्छे हमारे साथ वो बिजनेस पार्टनर और बड़े भाई की तरह नज़र आते थे, लेकिन जाफर साहब का आज शाम में इंतकाल हो चुका है। जी हाँ, ये बड़ी अफसोस बड़ी खबर है। वो काफ़ी वाइब्रेंट कैरेक्टर थे और काफ़ी अच्छे तरीके से वो अपने बिजनेस को मैनेज करते थे और काफ़ी सारे लोगों के साथ थे और खबरुस्सलाम साहब के वो काफ़ी बड़े चाहने वाले थे। ये अफसोस भरी खबर हम आपको दे रहे हैं। दुआ करते हैं जाफर साहब के हक में और आप सबसे भी दुआओं की गुजारिश करते हैं। जाफर साहब, सालों से आप इस बिज़नेस के अंदर हैं और हम हमेशा हम देखते हैं कि आपके हर होर्डिंग पे, हर बैनर पे जनाब मरहूम खमरो साहब सबकी फ़ोटो रहती है, क्या वजह है इसकी? मैं जो तरक्की करा, मैं जिस वक्त मैं गुलबर्गा आया था उस वक्त मैं कुछ नहीं था, मेरे सरपरस्त शमसुल इस्लाम थे, उनके पीछे खमरुल इस्लाम साहब थे। जैसा शमसुल इस्लाम का साहब का इंतकाल हो गया, उसके बाद मेरा हाथ था मैं हमारे कमरुल इस्लाम साहब, जो भी मेरे मुश्किलात में, जो भी मेरे कमी में और हर तरीके में उनका बैकग्राउंड है मेरा हमेशा के लिए। आज ही ने उन्होंने जब से हयात थे, जब भी मैं उनके होर्डिंग्स पे फ़ोटो रहते थे, आज भी है और हमेशा के लिए रहेंगे उनके फ़ोटोग्राफ्स। अपनी इम्यूनिटी को आप 3 दिन के अंदर बढ़ा सकते हैं। हकीम उस्मान गनी खत्री, जी हाँ, एक स्पेशल फार्मूला उन्होंने लाया है जहाँ पर आप कोरोना वायरस के साथ कई सारे अलग अलग बीमारियों का भी आप इलाज दे सकते हैं। जी हाँ, ये इलाज काफ़ी अच्छी तरीके से लोग इसे रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। ये एग्जैक्टली मामला क्या है और हकीम साहब इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, आइए नज़र डालते हैं। तो अल्लाह के फजल से तमाम बुजुर्गानी दीन की दुआओं के सबके तसल्ली में अल्लाह ताला ने दुनिया में मौत को छोड़ के तमाम चीज़ों का इलाज रखा। तो मेरा काम यह है कि दुआ करना, दवा देना अपना मरीजों को अच्छा करता। तो अगर किसी को बदन दर्द या बुखार या इस तरह की कोई तकलीफ हो रही है जिसपे आराम नहीं हो पा रहा है, तो 3 दिन की दवाइयों में मैं कुछ ऐसी चीज़ें अल्लाह ताला ने अता की हैं कि जिससे जिस्म पूरा मजबूत हो जाता है, ताकतें आ जाती है, गिजा में खाना पीना सांस लेने में हर चीज़ में आसानी हो जाती है। और ये अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है कि रब ताला मुझसे काम ले रहा हूँ और लोगों के मसले हल कर रहा हूँ। मैं ये दुआ करूँगा रब की बारगाह में कि अल्लाह आप लोगों को भी शिफा दे और ये तमाम वबा आफत बला मुसीबत से बचाए और अल्लाह बचाता। अगर किसी को कोई तकलीफ़ हो तो यहाँ पर गुलबर्गा की सरजमीन पर ख्वाजा बंदा नवाज बेतुल दराज के जो एरिया है कर्नाटक के अंदर, यहाँ पर मेरा शिफा खाना है, एडी शिफा खाने में, और तकरीबन काफ़ी मरीजों को अल्लाह ने शिफा दिया। अगर जिससे कोई परेशानी हो या तकलीफ़ हो या बीमारी हो तो यहाँ आ सकते हैं। 3 दिन की दवाइयाँ देता हूँ, अल्लाह अपने फजल से उनको अच्छा करता कि जिस्म में कुव्वत और ताकत पैदा करता। GoHealth.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHealth.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब्स है जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुँचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज़ ब्रॉट यू बाय केवीएन यूनिवर्सिटी, स्टाइल अप एट प्रकाश एशियन मॉल एंड बाय यूनाइटेड डायग्नोस्टिक्स।